हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं एडी परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो जैसे जैसे लाइव आते हो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि कहीं पे भी आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है, तो आप लोगों को कहीं पे किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इसी वीडियो के स्ट्रीमिंग के बाद आप सभी लोग उस क्वेश्चन के बारे में जरूर पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि कल के काफी सारे क्वेश्चनों में आप सभी लोगों को डाउट था, तो वो आपका जो भी डाउट है, मैं आपके एंड में उन क्वेश्चनों के बारे में आज बात करूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस पे आपको कहीं पे भी डाउट था, ठीक। चलिए, सभी लोग शेयर करते रहिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, जो भी चैनल से नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, जो शारदा एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, शारदा एक्ट की बात की गई, ठीक है ना, कि शारदा एक्ट आपका जो 1929 में आया था, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा गया आपका, शारदा एक्ट 1929 के अंतर्गत इसमें आयु सीमा क्या रखी गई थी, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की यहाँ पे आयु सीमा क्या रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आएगा हमारा इसमें, ठीक है। चलिए बच्चा, आपका अच्छे क्वेश्चन से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन से आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन का समझो, विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे दिया गया, यहाँ पे क्या पूछा आपका, तो याद रखिएगा, वो हैज बीन राइट टू वोट बच्चा आपका, ठीक है। तो किसके लिए आपका, ज्वाइंट सेशन के दौरान पार्लियामेंट में जब संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यदि मतदान क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, तो वहां पर क्या होगा आपका, जो वोट होता है उसे हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस कास्टिंग वोट पर समझ लो, जो कास्टिंग वोट है बच्चा, इस पर वोट देने का अधिकार किसका है, बिल्कुल सही आंसर आएगा तो लोकसभा अध्यक्ष का। राइट आंसर क्या आएगा इसमें, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है, समझो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट कहा जाता है, जिसे कास्टिंग वोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट आर द स्टोरेज फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो भी पौधे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, समझ रहे हो, किस रूप में बच्चे वहां पर, ठीक, स्टोर होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में क्या होता है, स्टार होता है, ठीक है। और जबकि ग्लाइकोजन के रूप में किसमें होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ये होता है एनिमल्स में, ठीक है, यानी कि ये होता है आपका किसमें, जंतु में, और ये हो गया आपका किसमें, पादप में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्राइब इन द राजस्थान, इनमें से कौन सी जनजाति जो राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो इनमें से राजस्थान में कौन सी नहीं रहती है, डोगरी जनजाति, जो हिमाचल प्रदेश और जेएनके के अंदर, डोगरी जनजाति सभी लोगों को याद होगा, डोगरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो डोगरी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, तो याद रखना दो राज्यों में। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, तो ये किस वर्ष की गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 ईस्वी में, जब वहां पे विलियम बैंटिंग क्या था, भारत के अंदर गवर्नर जनरल था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय पर विलियम बैंटिंग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, समझ रहो, ज्वाइंट सेशन की बात करेंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 पर, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो किसी बिल पर, क्या हो, दोनों के बीच में मतभेद हो, उस दौरान ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है वो भी हम लोग पहले बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, हमेशा से ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, और याद रखना इसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है, साउंड कैन बी नॉट ट्रेवल ऑन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, इनमें से कौन से माध्यम में साउंड क्या करती है, आपकी ट्रेवल नहीं करती है, तो वैक्यूम में, सभी को पता है वैक्यूम में नहीं करती है, निर्वात में, समझ लो, निर्वात में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है,
कि जादू घोड़ा जो झारखंड के अंदर आपका जादू घोड़ा की खान, समझ लो कहां पर आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जादू घोड़ा की खान किसके लिए जानी जाती है, तो सभी लोगों को याद होगा यूरेनियम के लिए। बहुत कम स्टूडेंट है, सभी लोग शेयर कीजिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप है उन ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्या दिया गया आपका, समझ लो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस अगर हम लोग बिल की बात करेंगे तो लोकसभा के पहले स्पीकर जिनके अगेंस्ट इसको लाया गया था, समझ लो तो किसके अगेंस्ट, बिल्कुल सही आंसर आपका जीवी मालवंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मालवंकर, जिनके विरुद्ध पहली बार क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, ठीक है, विच रिफॉर्मर आपका महाराष्ट्र कॉल्ड लोकहितवादी, तो लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा और मैं भी आपको यही कहूंगा कि हम लोग यहाँ पे पूरी स्टडी के साथ जो पीपीटी वगैरह है अपने सामने, या हम लोग खुद ही से डिजाइन करते हैं और खुद ही से स्टडी करके हम लोग आपके सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटेंट राइटर कोई और होता होगा, कंटेंट हम खुद ही तैयार करते हैं, गलती की गुंजाइश मैंने हमेशा से कहा 1% होगी, और 1% भी किस आधार पर, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑरली कभी कभार बताना कुछ और चाहता हूं और आपका आंसर कुछ और जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कल के एक पेपर में बात करता हूं कैल्शियम, मैंने क्या कहा आपको, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की गई थी तो कैल्शियम सल्फेट सबको याद है, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल्स यानी कि हाफ मॉलिक्यूल्स किसका होता है, H2O का होता है, सभी को याद होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, यानी कि 10वीं क्लास से तो कम से कम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, हैमी आएगा आपका, हैमी हाइड्रेट कहा जाता है, ठीक, तो एंड में बात करने वाला था मैं इस पे, तो कभी कभार ओरली चीजें गलत नहीं हो सकती लेकिन कभी कभार टंग में दिक्कत आ, ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान देना आप सभी लोग। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, तो जो आपका दिया गया 11 की ओर, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, 2011 में, जो सॉरी आपका 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था, रसिया के अंदर हुआ था, और 2022 में कहां पे होगा आपका, तो ये कतर के अंदर होगा, ठीक है। चलिए किसी भी क्लास में हो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में ऐसा हो, किसी भी क्लास में ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी भी से भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आसान सा क्वेश्चन, जो फ्यूज वायर होता है मेड जब एलॉय की बात की गई, फ्यूज वायर किसका मिश्र धातु होता है, तो आप सभी लोगों को याद है टिन और लेड का, यानी किसका होगा, टिन और लेड का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से क्या कहा गया आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इनमें से कौन सा शहर जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा, अयोध्या शहर, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका अयोध्या शहर, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा साथ ही साथ। क्वेश्चन क्या दिया गया, बोमडिल्ला दर्रा, बहुत बढ़िया, बोमडिल्ला पास भारत के कौन से राज्य में स्थित है, बोमडिल्ला पास भारत के कौन से राज्य में स्थित है आपका, अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे आपका क्या आएगा, तवांग मठ भी आपका यहीं पे, नामदफा नेशनल पार्क, समझ लो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का, जो स्लोगन दिया गया था, समझ लो वन रिलीजन वन कास्ट, बचा आपका वन गॉड फॉर द मैन, ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था, यदि आप लोगों ने लुशन भी पढ़ी होगी तो वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, इनमें से कौन सा सही नहीं है, लिपु लेक उत्तराखंड में, बिल्कुल है आपका, नाथुला कहाँ पे आपका, सिक्किम के अंदर है, जबकि रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपका केरल के अंदर, तो इसमें कौन सा आएगा, नाथुला आपका कहाँ पे है, सिक्किम राज्य के अंदर है, जहां से मानसरोवर यात्रा भी निकलती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इफ स्पीड द रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या कहा गया, यदि पृथ्वी घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो उस दौरान शरीर के वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना घट जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सभी लोगों को याद है कि मौत के कुएं में जो बाइक की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, आपका घूर्णन गति जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेट वैसे क्या होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया गया, किस राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना, विच स्टेट हैज लॉन्च बलराम स्कीम प्रोवाइड द लोन 7 लाख, बच्चा आपका क्या है, जो लैंडलेस जो फार्मर है, ठीक है, किसानों के लिए ये योजना लाई गई, तो किसके द्वारा लाई गई, बिल्कुल सही आंसर आपका उड़ीसा। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया उनका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही होगा, बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब होती है, समझ लो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल 1984 में, यानी इसका सही आंसर क्या बनेगा, हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ का वर्ष, ठीक है, 1881 में, ठीक है, 1881-82 में भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम आया था या पारित किया गया, तो उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिटिन, उस समय पर गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, सो लिटन के टाइम पे, ठीक है ना, 1881 में आपका लॉर्ड रिपन होता है, आपका लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, सॉरी बच्चा आपका बी नहीं आएगा सी आएगा, लॉर्ड रिपन होता उस समय पे, ठीक है, लिटन नहीं था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन उस समय पे गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसी समय पे पहली बार भारत में जनगणना भी हुई थी, आप सभी लोगों को याद होगा भारत में पहली जो सेंसस हुई थी आपकी 1881 में ही हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, वैन गंगा और पैन गंगा, ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां है, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां है, तो वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, वैन गंगा और पैन गंगा जहां पर मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है, आपकी प्राणहिता, इसे क्या बोलते हैं, आपका प्राणहिता, और इधर से आपका नासिक से कौन सी आई, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, तो जहां ये मिलती है वहां पर आपका, यानी किसकी सहायक नदी है, तो वैन गंगा और पैन गंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे क्या दिया गया आपका, इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो के अंदर कितनी इक्विटी जिम्मेदारी खरीदी है, ठीक है, यहां पे इंटेल कैपिटल के अंदर जो इक्विटी स्टेक खरीदी है आपका रिलायंस जियो के द्वारा कितना, तो यहां पे याद रखना इंटेल कैपिटल के द्वारा रिलायंस जियो में 0.39, ठीक है, जी यहाँ पे क्या दिया गया, 0.39% क्या स्टॉक खरीद लिए गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच नेशन हैज द लॉन्च न्यू स्पेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यू स्पेस सैटेलाइट, ठीक, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली, तो ये लॉन्च किया गया इसराइल के द्वारा, समझ रहे हो, आपका न्यू सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया, जैसे जैसे आप लोग लाइव आते हो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे अगर रेंडमली कभी कोई चीजें गलत आ जाती है तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंस ऑफ वेल्स जो आपका खेल होता है, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो आपका कप होता है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स किससे जुड़ा आपका, गोल्फ से। अब गोल्फ से मैंने आपको बताया था टाइगर वुड, जिन्हें लॉरेंस अवार्ड भी दिया गया था 2019 में, तो ये गोल्फ से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, अब यहाँ पे कब हुआ था, ये 1936 में होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो सत्र हुआ था आपका 1936 में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो स्वामी सहजानंद, यानी जिन बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर आएगा। और 1930 के आसपास बिहार में जो किसान आंदोलन चलाया गया था इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, आपको क्या पूछा गया कि लोकसभा के अंदर विरोधी दल का नेता उन्हें तभी मान्यता दी जाएगी
जब वो सदन के अंदर कम से कम कितने प्रतिशत, तो कम से कम आपका सदन के अंदर 10% सीटों के साथ अगर कोई पार्टी आती है तो उसे ही अपोजिशन पार्टी का नेता हो चाहे अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 552 सीट है तो कम से कम 52+1 तो होनी चाहिए, तभी उसे अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, कम से कम 10%, याद रखना 10% की बात करेंगे क्योंकि वर्तमान समय पर 545 सीटें ही आपकी चुन के आती है, बाकी कितनी 13 सीटें रिक्त है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, सॉरी 13 नहीं 7 सीटें रिक्त है। तो यहाँ पे याद रखना पुलित्जर जो पुरस्कार आपका रिसेंटली दिया गया, कश्मीर के 3 अलग अलग फोटोग्राफरों को इससे अवार्ड में सम्मानित किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार कौन से देश की सरकार देती है। ठीक है, तो ये कौन देता है, तो अमेरिका के द्वारा। अब पूछेगा कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में, और ईयर कौन सा आपका 1917। अब आज थोड़ा समय है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझ लो सारे क्वेश्चन के अंदर देखो जितनी चीजें अब आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके चर्चा में है और जीएस हमेशा अपडेटेड आती है, मैं यही कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, माहे, माहे क्या आपका पुदुचेरी का एक हिस्सा है, तो ये कौन से राज्य में आता है। आप लोगों को याद होना चाहिए जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन, पुदुचेरी, इसका कोई भी पार्ट एक ही जगह पे नहीं है, 3 अलग अलग राज्यों में, जैसे आपका माहे कहाँ पे, केरल के अंदर, बाकी आपका यनाम हो गया आपका, ठीक है, कराईकल हो गया, तो ये 2 अन्य राज्यों के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया आपका, इट्स विच गेम ऑफ, ठीक है ना, इन विच गेम बोनस लाइन जो आपका मार्क हो रहा है यानी कि बोनस लाइन किस खेल में अंकित होता है। ठीक है, तो किस में होता है आपका, बिल्कुल सही आंसर कबड्डी में। अब आपसे पूछेगा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजेंगे आप लोग कबड्डी में बच्चा आपका ईस्ट टीम यानी कि दोनों टीमों में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, बेगम हजरत महल, ठीक है, ये आपका 1857 की क्रांति को कहां से लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन से शहर से कर रहे थे, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका लखनऊ से। तो ये तो आपका रटा रटा क्वेश्चन है, यहां से लखनऊ से कौन था या आपका बिहार से कौन था, ये सारी चीजें पूछी जाती है, दिल्ली से कौन था, ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर से कौन था, ये चीजें तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर, क्या पूछा जाता है, किसी भी राज्य के अंदर प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, समझ लो यहाँ पे क्या पूछा गया, विधिक अधिकारी या इसे हम लोग लॉ अधिकारी बोलेंगे, तो उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है राज्य के अंदर, एडवोकेट जनरल। अब हिंदी में बताता हूँ आपका, एडवोकेट जनरल को कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल केंद्र में होगा, महान्यायवादी तो राज्य के अंदर, महाधिवक्ता, समझ लो एडवोकेट जनरल का मतलब महाधिवक्ता होगा। चले नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है आपका, सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। 2020 में कहां पे होना था, तो चाइना के फूजो शहर में होना था, लेकिन ये आपका नहीं होगा, इसे क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया 2021 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना यानी चर्चा में रहा कौन सा, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये कौन से रिवर पर है, तो मैंने कई बार बताया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना जो सिंधु समझौता हुआ था किस वर्ष, तो 1960 में, ठीक है, सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था आपका 1960 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, व्हाट इज द साइकिलिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि जो साइकिलिंग का परिसर होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वेलोड्रम से। ठीक है, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो बेसबॉल से, रिंक की बात करूं तो आइस हॉकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे क्रिकेट में पिच कहा जाता है, बॉक्सिंग में रिंग कहा जाता है, उसी तरह से साइकिलिंग में वेलोड्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति में जो विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य तौर पर कौन सा ब्रिटिश को माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका कैंपवेल। ठीक है, कैंपवेल को माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
36 की ओर। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य का गवर्नर। समझ रहे आपका, राज्य के अंदर जो अन्य सदस्य चुन के आएंगे उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो विधानसभा की शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 7 दिन से ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा आपका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे चुना गया, या गुडविल एम्बेसडर के लिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया, तो अमिताभ बच्चन जी को चुना गया, ठीक है। और कोविड-19 के क्षेत्र में भी लोगों को अवेयर करने के लिए भी अमिताभ बच्चन जी को ही चुना गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली आपका लेपचा जनजाति भारत के कौन से राज्य में आपका रहते, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया आपका, लेपचा जो आपका जनजाति और भोटिया जनजाति, तो भारत के कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य में। आप सभी लोगों को याद है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली विवाद भी हुआ था, कहाँ पर, नाकुला क्षेत्र। तो इस नाकुला क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ पे, सिक्किम राज्य के अंदर। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी भोटिया जनजाति निवास करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण यानी कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो सोशलिस्ट पार्टी। समझ रहे हो आपका, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, पंचमणि आपका क्या है, पर्यटकों के लिए जाना जाता है, तो पंचमणि आपका जो बायो क्षेत्र है, ठीक है ना, बायो रिजर्व क्षेत्र आपका, या जीव संरक्षण क्षेत्र है, तो ये कौन से राज्य में, राज्य आएगा हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 20 का राइट आंसर आएगा एमपी के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभी रिसेंटली आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, जो भी यहाँ पे समझ, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट के लिए यानी फूड ग्रेन के लिए क्या किया गया आपका, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो उसका नाम क्या है, किसान रथ। समझ रहे हो आपका, परिवहन की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा, किसान रथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, जहां तक मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 300+ स्टूडेंट है और लाइक सिर्फ 150 बच्चों ने किया है। सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। समझ रहा आपका, दुर्गापुर जो आपका क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो भारत में स्टेब्लिश किया गया था कौन सी कंट्री के सहयोग से, तो कौन सी कंट्री के, यहाँ पे ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ पे आपका, समझो आपका ये आ गया वेस्ट बंगाल, और कौन से वाले क्षेत्र में, ठीक है, दुर्गापुर आएगा आपका, ठीक। तो याद रखना, दुर्गापुर जो आपका लौह अयस्क यानी कि इस्पात क्षेत्र आपका, तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, दामोदर वैली क्षेत्र में ही आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, रिसेंटली दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आपका लिविंग सी टर्टल की बात की गई, तो कौन सा पाया गया, तो थाईलैंड के समुद्री क्षेत्र में लेदर बैक सी जो आपका टर्टल यानी कि लेदर बैक सी कछुआ जो विश्व का सबसे बड़ा, समझ लो क्या कहा गया, सबसे बड़े कछुए को नाम क्या दिया गया, इसे लेदर बैक सी कछुआ नाम दिया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, तो प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रह के तौर पर किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन तो रटाए रटाए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 के आपका, रिसेंटली भारतीय राष्ट्रपति के जो न्यू सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में चुने गए, इनका नाम क्या है, कपिल देव त्रिपाठी। समझो कौन है बच्चे, कपिल देव त्रिपाठी। चले नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अफ्रीकी देश यानी कि इथोपिया का प्राचीन नाम क्या था। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं कहता हूं 100% पूछेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री को 2019 में क्या दिया गया, नोबेल, जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे, अबी अहमद। तो अबी अहमद कहाँ पे बिलोंग करते हैं आपका, तो इथोपिया कंट्री के प्रधानमंत्री है। तो इथोपिया का प्राचीन नाम क्या है, अबसीनिया, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है आपका ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब आपका 47, 47, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया आपका, समझो कि किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए
आप मित्र हेल्प जो आपका ठीक है ऐप आपका लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, तो याद रखना ये आएगी आपकी माउंट एल्ब्रुज, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक जो रॉकी रेंज पे है, ठीक है रॉकी रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक आएगी और कहाँ पे, अलास्का के अंदर माउंट, सॉरी बच्चे आपका माउंट मैकिले आएगा, ठीक है सभी बता देता हूं मैं, एवरेस्ट आपका हिमालय रेंज पे आ गया, एल्ब्रुज आपका कहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, और माउंट मैकिले आपका रॉकी रेंज पे कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, और माउंट एकांकागुआ एंडीज रेंज पे ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आपका, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें तीन लोग थे, ठीक है तीन लोगों में से हेड कौन था, सर पैथ्रिक लॉरेंस, बाकी अन्य कौन थे आपके, एलेक्जेंडर हो गया और स्टोबर क्रिप्स हो गया, ठीक है तो सर फिर बताओ, थोड़ा बाकी तो आराम करने वाले थे, हो गए आपके बुक बस एक छोटा सा, अब ध्यान दीजिए बच्चे आप लोगों को कल मैंने बताया था कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ऑप्शन देख के कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड बताया होगा, ठीक है तो उसे आप लोग करेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स किसका होता है, वाटर का भी होता है, तो जिस कारण से इसका आंसर क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट आएगा, ठीक है कैल्शियम सल्फेट तो मैंने आपको बताया लेकिन इसमें हाफ मॉलिक्यूल आपका किसका होता है, वाटर का होता है, जिस कारण से क्या होगा कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्राइड होता, ठीक। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जहां पे बच्चे कंफ्यूज था, तो मैंने आपको क्या बताया कि 1969 में जो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, तो 14 बैंकों का तो सबको पता है कि 14 बैंकों का हुआ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में हो गया था, तो यहां आप कैसे गलती को बता सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा गया था आपका, किसका नहीं हुआ पूछा, ये भी ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने बताया आपको क्रोमियम मिलाया जाता है, लेकिन आपको क्या पूछा गया कि जंग लगने से अगर बचाया जाएगा तब मिलाया जाता है आपका, ठीक है तब आएगा आपका क्या आएगा इसमें, आयरन स्टील में ऑब्जेक्ट कंटेंट टू लेयर, यहाँ पे क्या पूछा गया जो लेयर लगाई जाती है वो आएगी आपकी जिंक की, ठीक है तो ये अलग था, क्वेश्चन क्या था आपका जंग रहित बनाने के लिए, तो इसे आप गलत मत बताइएगा, ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा, ठीक है लास्ट क्वेश्चन जो, तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ, लेकिन उसे हम लोग 1988 याद नहीं रखते, जिस दिन वो लागू हुआ तो 1989 में, ठीक है तो ये क्वेश्चन से हमारे जहां पे आपको गलती सी लगी थी, ठीक है तो गलती नहीं थी वो बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। इसके बाद आपका टेक्निकल क्लास चलेगी, हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, भगवान आपको जल्दी से सफलता दें। पीपीटी ओपन है क्या मेरे? चलिए तो सभी लोग, क्या हुआ इसमें, सभी लोग वीडियो को अपना शेयर करेंगे जल्दी से। विच न्यूटन लॉ फॉलो द कूलम्स लॉ? चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर वगैरह करिए, स्टार्ट करते हैं। विच न्यूटन्स लॉ फॉलो द कूलम्स लॉ, आपको बताना है। चलिए आसान सवाल है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए कभी भाई हमसे पढ़ लिया करो, रीजनिंग तो डेली पढ़ रहे हैं।
फर्स्ट लो, अबे न्यूटन्स लो फॉलो द कुलाम्स लो, पहला नियम। अच्छा, जड़त्व का नियम होता है। हाँ, सी यानी कि थर्ड लॉ किसका होता है, देखिए थर्ड लॉ फॉलो द कुलाम्स लॉ, क्या न्यूटन के तीसरे नियम को कुलाम का नियम फॉलो करता है। कैसे, एक्शन रिएक्शन। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पे अप्लाई कर रहा है एक फोर्स, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पे कर रहा है, तो क्या। अरे यार फर्स्ट कहाँ से आ गया भाई, फर्स्ट तो जड़त्व का नियम होता है, वो कहाँ से आ जाएगा, थर्ड लॉ होता है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, अब तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनली रटा था है ना, नेक्स्ट चलिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, जल्दी से बताना शुरू करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, यहां पर आई का मान बताइए। अच्छे अच्छे सवाल है, चलिए अब शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से, जल्दी आइए। क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों के सामने है, तो यहां 6, 2 और 3 विद्यार्थियों आप लोगों को पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 6, 3 और 2 को अगर हम इक्वलेंट निकालते हैं तो मिलता है 1 ओम। तो आई अगर हम देखेंगे कहां से शुरू है, माइनस, तो माइनस के 10/1 यानी कि माइनस के 10 एम्पियर क्या बनेगा बेटा, बी क्या होगा, देखिए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बन रहा है, देखिए बी। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाएंगे, थर्ड द मैक्सिमम पावर ड्रॉ फ्रॉम सोर्स डिपेंड ऑन, मैक्सिमम पावर ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। चलिए जा 4 नंबर पर आ जाओ, व्हाट विल बी द एनर्जी यूज्ड बाय बैटरी इफ द बैटरी हैज टू ड्राइव 6.28 × 10^18। तो बेटा ये लिखने का मतलब समझे, इतने इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब समझे, 1 कूलम चार्ज। अब देखिए पर सेकेंड विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, तो V बराबर होता है W/Q, तो W = 20 × 1, तो कितना आ गया देखिए 20 जूल। तो लिखने का मतलब थोड़ा घुमाया है, सवाल आसान है राइट। क्या कहेंगे देखिए, फोर्थ का हमारा बनेगा डे। नेक्स्ट चलेंगे देखिए फिफ्थ, द कलर ऑफ कार्बन इज, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा ठीक है, हमने माना चलो 6 है, कलर मिलता है आप लोगों को ब्लैक, कलर किस में मिलेगा ब्लैक, बिल्कुल अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे, तो आपको यहां पर धारा का मान देखना है, तो धारा का मान देखना है सिंपल केवीएल लगाइएगा, −10 + 5 + 2 = 7 + 3 = 10, 10i, फिर प्लस से बाहर माइनस के, फिर यहां पर चलिए माइनस से बाहर तो हो गया प्लस के, 20 = 0, तो 10i प्लस में आ गया 5 = 0, तो i = −0.5 एम्पियर। बताइए 6 का ए मिलेगा कि नहीं, 6 का आंसर मिलेगा आप लोगों को ए, फटाफट से आंसर करते रहो, टाइम दे रहा हूं मैं भाई, अभी से शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में, वो चिल्ला रहा हूं, बदलाव बैच भी फॉलो करो, पुराने लेक्चर भी देखो, ये तीनों, ये 6, 3 और 2 पैरेलल में है, आर इक्वलेंट निकाला यहां पे, और i = V/R कर दिया राइट बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, फिगर सोजे पार्ट ऑफ ए सर्किट इफ ए करंट, मेरे शेयरों कितना है 12 mA इन द 5 kΩ रजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ए से लेकर यहां तक पूछा है, तो जब धारा दे दिया है तो आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो देखिए ये हमें मिल गया यहां से 5 + आर इक्वलेंट, देखते हैं क्या मिलेगा। तो आर इक्वलेंट देखिए 20 और 10 को किया तो 6.6 100, ये 105 ये हो गया, ये देखो भाई ये कितना हो गया 105, इसको किया तो 6.66, तो ये हो गया 111.66। चलिएगा V बराबर होता है IR, चलिए जी V बराबर IR यानी 20 × 10^-3 × 111.66। बताइए जी वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, अच्छा किलो है ना, सॉरी किलो है ना, ये भी 10^3, बताइए कितना मिल रहा है आपको, 1340 मिल रहा है कि नहीं, कितना मिल रहा है कैलकुलेशन करके बताइएगा कितना मिलेगा।
सेवन का सी मिल जाएगा आपको, कैलकुलेशन करके देख लो। अब भाई अब वी बराबर आई आर लगा दीजिए, बस और क्या है, हो गया, बहुत सही चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का सवाल, व्हाट द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। राइट, बहुत आसान आसान चीजें हैं, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। तो हमें यहां पर वोल्टेज रिक्वायर्ड है बेटा, राइट। तो हमें यहां पर वोल्टेज का मतलब है, हमने माना वी ए, केसीएल से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के सवाल बहुत अच्छे हैं। कहां 12 बोलो ना, कहां पे 12? अच्छा ये सॉरी, ये मैं तभी तो देख रहा है, 12 मिली एम्पियर। चलो कैलकुलेशन में कर लेना यार, मेथड आपको सही बताऊंगा ये। चलिए ये देखिए, हमने कहा आई वन है, ये आई टू है बेटा, और ये आई थ्री है। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर में 0, वी ए माइनस 200 बटे में देखिए 20, प्लस में वी ए बटे में देखिए 40, प्लस में वी ए बाई में 60 बराबर 0। राइट, अब सॉल्यूशन करिए और वी ए का मान बताइए, थोड़ा एलसीएम लीजिए, वी ए का मान बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से वी ए का मान बता दीजिए। दूसरा तरीका भी है इस सवाल का मेरे पास में, दो तरीके हैं, कौन सा मैं देख लेता हूं, देख लेते हैं कितना आएगा, 105 प्लस में 6.66, 111.66 गुना में 1340 ही आ रहा है बेटा, ये 12 है, 1340 आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। चले बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको जरा चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को कैलकुलेशन चेक करिएगा, मेथड सही है, वी ए का मान यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 109 वोल्ट, कितना 109 वोल्ट, 88 का हो गया। चलिए आप बस कैलकुलेशन करते रहिएगा, थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट कर दीजिएगा, बाकी नहीं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए, फाइंड करंट आई इन द गिवन सर्किट। हाँ सितंबर तो खींचूंगा इसको यार। चलिए जी यहां पर आ जाइएगा, यहां फाइंड करंट आई इन द गिवन सर्किट, हमें बताना है यहां पर करंट आई। अच्छा सवाल है, प्लीज आंसर कर दीजिए, अच्छा सवाल है, प्लीज आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा प्लीज, मैं उत्तर दूंगा ही नहीं, मैं देखूं तो आज आप क्या क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा सवाल है, प्लीज आंसर। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, वेरी गुड, 3 एम्पियर सही आ रहा है, ओके। हमने सोर्स कन्वर्जन कर लिया, ये मिल गया हमें 1 ओम, ये यहां पर देखिए हमें धारा बतानी है, राइट जी, और ये थे 2 ओम, और ये देखिए 10 वोल्ट। हमने क्या अप्लाई किया, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन से देखिए 8 एम्पियर इधर से, और इधर से देखिए कितना एम्पियर, 5 एम्पियर इधर से, तो रिजल्टेंट क्या होगा नीचे की तरफ, कितना 3 एम्पियर, कितना मिला 3 एम्पियर, शाबाश, ये हुई ना बात। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर, मटेरियल दैट हैव वेरी हाई परमेबिलिटी, जब बहुत हाई परमेबिलिटी आ जाएगी इज कॉल्ड ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इज कॉल्ड ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थोड़ा धीरे बोल रहा हूं यार, गला दर्द कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ए सिंपल फ्लैट ट्रैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा सवाल है, प्लीज आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हो कि नहीं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे 15 × 75 25 × 75 इट्स ए बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, यानी कि 5 और 3 8, ये देखिए
ये तो खत्म हो गया। आठ हमारा पैरेलल में किसके साथ में है, ये आठ आ गया, 15 और 25 देखे 40, तो हमें 40 और 8 को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, कितने आ गए 48, तो 8 छंग 48, 40/6, तो 6 छंग 36 यानी 6.67 ओम, क्या मिलेगा बी, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए 12वें नंबर पर चलिए, 6 to 9 प्लस माइनस 10% मेगा ओम, तो हमें तुरंत देखना है बी बी और हेलो हेलो हेलो, अभी चल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया देखिए बी, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बन रहा है देखिए बी हो जाएगा। चलिए अब नहीं करेगा, 12 का एक बच्चा सी उत्तर दे रहा है, गलत है, तो करेक्ट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में बनेगा बी, अब सही चलेगा। चलिए नेक्स्ट है 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच हैज ए वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड चार्ज ये दिया है, तो V बराबर या C बराबर Q अपॉन V 16/4 कितना मिल रहा है देखिए 4 फैरड, ये क्या हो गया देखिए B, ये क्या हो गया देखिए B। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस 40 माइक्रो फैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट DC सोर्स, द चार्जिंग करंट विल बी लीस्ट, तो देखिए व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो उस समय करंट मिनिमम होगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 15, कैपेसिटर आर यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो कपलिंग एंड ट्यूनिंग दैट इज माइका कैपेसिटर। नेक्स्ट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन, तो जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो सीरीज में कैसे जैसे प्रतिरोध पैरेलल में आता है तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है बेटा ये हमारा घट जाता है यानी कि कम हो जाता है, राइट। चलिएगा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ए रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 1 मेगा ओम एंड 10 वॉट इज लाइकली टू बी ए, तो 1 मेगा ओम इज ए यूज वैल्यू ऑफ रजिस्टर यानी कि वायर बाउंड रजिस्टर से बनाना बहुत मुश्किल, तो 1 मेगा ओम को आप कार्बन रजिस्टर में बहुत आसानी से बना सकते हो, तो इट्स ए कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 के आगे बढ़ते हैं, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 5 ओम, द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट विल बी व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़, कैपेसिटेंस बताना है 50 हर्ट्ज़ पर, तो हमें पता है XC बराबर 1/2πfC, राइट जी, तो C बराबर 1/, और आपको बता दो 50 हर्ट्ज़ पे 2πf का मतलब 314 डायरेक्टली रख दीजिए 314, अब यहां चला जाएगा देखिए XC कितना मतलब कि 5, राइट जी कितना है देखिए 5। चलिए जी तो कैपेसिटेंस का ये वैल्यू देखेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 636 माइक्रो फैरड, कितना मिलेगा 18 का डी, प्लीज कैलकुलेशन करिए, अपने आप को थोड़ा अटेंटिव रखिए, एक बच्चा 18 का कुछ भी छाप दे रहा है, कोई बी लिख रहा है, ये किसने लिखा बी मोनू यार, गलत बात है ये, सिंपल सवाल को नहीं कर पा रहे हो, आज तो जलज अपनी आईडी से उपस्थित बना हुआ है भाई। चलिएगा नेक्स्ट चलेंगे 19 पर, फॉर द बिलो सर्किट करंट थ्रू कैपेसिटर, हमें करंट देखना है तो यानी कि हमें पहले XC निकालना पड़ेगा 1/ωC, 1/ω देखिए कितना है 100, इंटू सी कितना है 50 × 10⁻⁶, तो 10⁶/500 राइट जी, तो यहां से हमें क्या मिलता है XC मिलता है, यहां से हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमें क्या मिलेगा यहां से XC, तो ये हो जाएगा देखिए 200,
तो जब हम लोगों को I बराबर मिलेगा, तो I बराबर मिलेगा हमें 30 अपॉन XA 200, और कैपेसिटर है तो धारा यानी कि cos phi t, क्योंकि करंट आपका 90 डिग्री आगे होगा। बहुत सही बेटा, बी हमारा सही उत्तर है। वेरी गुड। चलिए, वन वेबर इज इक्वल टू, तो वन वेबर का मतलब होता है 10 की पावर 8 लाइन से बेटा, 10 की पावर 8 फ्लक्स लाइन से या फील्ड लाइन से, इसका मतलब होता है एक वेबर। परमेबिलिटी इज द इनवर्स इक्वलेंट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल टर्म। बड़ा अच्छा घुमाया है सवाल को। देखिए, परमेबिलिटी इज द इनवर्स इक्वलेंट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। देखिए, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या, कंडक्टेंस। तो देखिए, परमेबिलिटी इज द इनवर्स इक्वलेंट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल टर्म, इनवर्स इक्वलेंट, तो रेजिस्टेंस का उल्टा देखिए क्या, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी टोटली रिलेट विद द परमेबिलिटी। तो यहां क्या है, देखिए ऑप्शन सी इज बेस्ट वन। यहाँ क्या देखिए, सी। राम सेवक गुप्ता जी, बेटा अपना नंबर लिखाइए आप प्लीज, और जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन मुझे बताइएगा कि कितने सवाल किस तरह के मिले आपको एसएससी में। अभी 90 सवाल, ये 90 सेट कराने बेटा। चलिए देखिए, द स्पेस आउटसाइड द मैग्नेट वेयर इट पोल हैज ए, जब सवाल मुश्किल आते हैं, जैसे पहले सवाल मिले आपको 10वें नंबर पे 9 नंबर पे, जब बीच में ये मिले तो आप लोगों ने कहा सर जी बहुत टफ हो गया, जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आया। जब चीज़ें आसान आ गई तो आप कहेंगे कि सर इतने आसान नहीं आते, न तो ना एग्जामिनर आप लोगों, आपसे ज़्यादा बेटा मुझे पता है, पढ़ लो आप चीज़ों को। इसी तरह से सिनेरियो कुछ मिला जुला सा आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। निर्भर करता है कि आपने, देखिए कल भी हमने बीच बीच में इतने अच्छे लेवल के सवाल रखे थे और आज भी जो घुमा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, द स्पेस आउटसाइड द मैग्नेट वेयर इट्स पोल हैज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर गिवन सर्किट। चलिए जी, हमें यहाँ आई का मान बताना है। देखिए, हमें आई का मान बताना है, तो अच्छा सवाल है। 8 हमारे लिए यहाँ हो गया, 8 हमारे लिए ये हो गया, तो यहाँ धारा का मान निकाल लेते हैं I1। तो I1 हमें मिल जाएगा 8 - 2/2, तो कितना हो गया 6/2, यानी कि 3 एम्पियर। तो आने वाला करंट है ये और ये, बराबर में कितना 3, तो I बराबर बेटा कितना मिलेगा 2 एम्पियर। राइट जी, और बहुत अच्छे लेवल के लिए भी मैं आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे लेवल के लिए भी मैं बदलाव बैच में एक से एक सवाल को ढूंढ के ला रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे 24। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यू फॉर द सर्किट शॉन बिलो। 24 बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, प्लीज हल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज हल करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द सर्किट शॉन बिलो। देखिए, VR का जो मान है वो 26 वोल्ट है, VR का जो मान है वो 26 वोल्ट है, I का मान 2.6 है और L का मान ये है, तो बताइए ये सारी चीज करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ चलेंगे पहले, इसका RMS वैल्यू हमने निकाला, V बराबर RMS वैल्यू कितना 42.3/√2, तो ये कितना हो गया 30। तो अगर हम VR का मान यहाँ 26 रख के देखें तो ये और इसका वेक्टर सम 30 आना चाहिए, तो वेक्टर सम के लिए 15 का स्क्वायर + 26 का स्क्वायर। अंडर रूट में 15 का स्क्वायर + 26 का स्क्वायर, तो ये मिला 30, यानी कि ये हमारा देखिए यहाँ सही है। चलिए जी, L का मान कितना है 0.115, यहाँ पर आ जाइए, देखिए L का मान कितना है ये, तो बेटा XL निकाल लेंगे, XL बराबर होता है वोमेगा L, वोमेगा का मान देखिएगा कितना है 50 × 0.115, तो ये कितना मिल गया 5.75। यहाँ से अगर हम Z निकालते हैं तो Z बराबर अंडर रूट में 10 का स्क्वायर + 5.75 का स्क्वायर। राइट, पूरा करके बताऊंगा, आधु में नहीं छोड़ता मैं, 5.75 स्क्वायर + 100
इसे 11.55 तो ये हमने देखा L का मान ये रख के देखा हमने, तो I का मान देखते हैं कितना मिलेगा। I बराबर 30/11.55, इट्स ए 2.6 एम्पियर, यानी कि 2.6 एम्पियर भी आ रहा है और L का मान ये भी आ रहा है। तो ये सभी हमारे यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। कितना होगा, क्या कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो ये कितना है, 8 यहाँ पर हो गया भाई, देख लो 8 यहाँ पर हो गया, तो 8/8 माइनस के 2/2, 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। अब इनकमिंग क्या क्या है, 1 प्लस आई बराबर 3, तो आई बराबर 3 माइनस 1 बेटा 2 सही है, प्लीज़ अपना करेक्ट करिए, ये सही है 2 एम्पियर। यहाँ जाइए 24 का सभी करेक्ट है। राहुल कुमार पांडे जी, बेटा कैलकुलेटर आप लोगों के लिए नहीं है, कैलकुलेटर मेरे लिए था ये, क्योंकि मुझे यहाँ जल्दी आप लोगों को करके बताना है। कैलकुलेटर आप लोगों के लिए नहीं है, कैलकुलेटर मेरे लिए है। प्लीज़ 25 पर चलिएगा, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड अक्रॉस रजिस्टेंस। तो चलिए देखिए, फाइव बराबर 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल देखो ये आ जाएगा बिना कैलकुलेटर के, एक्सएल कितना बन गया जी 17.32/10, तो 10 इनवर्स अंडर रूट 3, देखो जरा 60 मिल गया कि नहीं, 10 इनवर्स अंडर रूट 3 ना, कितना आ जाता है देखो ये 60 डिग्री, ये क्या हो गया देखिए सी। चलिए 20, बी एच कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन, देखिए हवा के लिए बी एच कर्व स्ट्रेट लाइन आता है। इफ करंट इन ए कंडक्टर इंक्रीज देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो करंट उस दिशा में बढ़ेगा या वोल्टेज को जिस प्रकार प्रोड्यूस्ड होगी वह उसी कारण का विरोध करेगी जिससे यह उत्पन्न होता है, तो प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द इंक्रीजिंग करंट, क्या बनेगा देखिए 27 का आपका बनेगा सी, राइट। चलिएगा नेक्स्ट है आपका 28, करंट चेंजिंग फ्रॉम 8 एम्पियर to 12 एम्पियर इन 1 सेकेंड इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी 20 बराबर एल, डी आई कितनी होगी 12 में से 4, 1 तो 4×5=20, एल का मान कितना आ गया देखिए 5 हेनरी, राइट जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29, कैलकुलेट द क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर का मतलब ही पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू, कितना हो गया 2, तो माय डियर स्टूडेंट ये देखिए मिल जाएगा आपको 5, राइट जी, क्या मिलेगा आपको 5। नेक्स्ट चलिए 30, ए बैलेंस्ड 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड फेड है, देखिए यहाँ से यानी कि लाइन वोल्टेज दिया गया है देखिए 28 वोल्ट, 3-फेज सप्लाई, ईच लोड हैज रेजिस्टेंस कितना देखिए 35 ओम, द टोटल पावर पी बराबर √3, टोटल पावर पूछा है आप लोगों से कि टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर बता दीजिए कितना टोटल पावर हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को देखिए क्या देखना है, 3-फेज कनेक्टेड लोड इज फेड फ्रॉम ए 208 वोल्ट। चलिए जी अब हमने क्या करना है, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई 208 का स्क्वायर अपॉन में 35 कर दीजिए डायरेक्टली, वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दीजिए, टोटल पावर मिल जाएगी आपको 208 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35, कितना 1236। दूसरा देखिए, कुछ बच्चे इसे क्या करते हैं, देखिए बेटा कुछ बच्चे देखिए क्या करते, गलती ये करते हैं कुछ विद्यार्थी, गलती नहीं मतलब दूसरा रास्ता है, इसे वो फेज में बदलेंगे और फेज में बदल के वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे तो वो फेज पावर ही मिलेगा, कितना मिलेगा 411 के आसपास, लेकिन इसने कहा है टोटल पावर, टोटल मतलब तीनों फेज की, तो 400 × 3 भी अगर करेंगे तब भी 1236 ही मिलेगा, मतलब दोनों रास्ते से चलिएगा वहीं पहुंचाएंगे आपको, मंजिल एक ही होगी। 31, द पावर ऑफ ए 3-फेज 3-वायर बैलेंस सिस्टम वाज मेजर्ड बाई
टू वाटमीटर मेथड द रीडिंग ऑफ वन ऑफ वाटमीटर वाज फाउंड टू डबल दैट ऑफ अदर, यानी डब्लू वन है दूसरे का देखिए डब्लू टू है, तो आपको बताना है द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आपको बताइए कितने के लिए लिखवाया ये फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कितने के लिए मेंशन करवाया है आपको ये फाई बराबर, अगर हम 60 डिग्री लेते हैं, फाई बराबर 60 डिग्री तो कितना मिलेगा आप लोगों को ये, अरे निकाल के बताऊं ये कितना आएगा, 30 डिग्री आना चाहिए, ये 31 का डी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 डिग्री, यस बिल्कुल सही, अगर डबल है तो चलो W1 देखो ऐसा था W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस में W1, ये आता है रूट थ्री, ओके ये आता है रूट थ्री, रूट थ्री W2 यानी कि एक दूसरे के डबल है तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। देखो जरा 30 आ रहा है कि नहीं, 30 अगर आएगा तो तब जाके हम लोग लिखेंगे cos 30 0.8, बताओ 30 आएगा कि पक्का, बिल्कुल 30 डिग्री। तो जब आप W2 माइनस W1 करोगे तो ऊपर आपके कुछ आएगा और नीचे जुड़ के तीन हो जाएगा, तो वन अपॉन में क्या मिलेगा आपको रूट थ्री, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको 30 पर ए। चलिए जी नेक्स्ट है 32, ए वेट स्टोन ब्रिज रिक्वायर्ड ए चेंज ऑफ 7 ओम इन अननोन आर्म ऑफ ब्रिज टू प्रोड्यूस ए चेंज इन डिफ्लेक्शन 3 mm गैल्वेनोमीटर द सेंसिटिविटी, तो एस बराबर होता है थीटा अपॉन चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 3 × 10⁻³ mm अपॉन में देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस ये। चलिए देखते हैं भाई कितना आ गया 3/7, 3/7.429 mm इसे mm अपॉन में ओम, बताइए सी बन गया, डायरेक्ट हो गया। चलिए चलिए हो गया हो गया। 33 टॉर्क टू वेट रेशियो विल बी हाई इन, तो किसमें मिलेगा आपको मूविंग कॉइल में, और टॉर्क टू वेट रेशियो अगर ज्यादा होता है ना तो भाई फ्रिक्शन लॉस कम होता है, सेंसिटिविटी हाई होता है। चलिए द एक्यूरेसी ऑफ 0 to 10 mA 2%, व्हाट इज इट्स एक्यूरेसी वेल हैंगिंग रीडिंग 5 mA, तो 10/5 × 2 याद है फॉर्मूला, देखिए कौन सा लगाया वही फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू इंटू परसेंटेज एरर एट फुल स्केल, और यहाँ पर देखिए डिजायर्ड स्केल, ये फॉर्मूला लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आ रहा है यार पेपर में ये, तो 10/5 × 2 कितना आ गया देखिए 4%, ये तो छप गए होंगे ना दिमाग में, ये तो दिमाग में सेट हो गया होगा आपके मामला, ये तो इसे तो गलती नहीं करोगे तुम। वन कैंडला इज इक्वल टू, वन कैंडला इज इक्वल टू देखिए 4π के, चलिए ये हो गया देखिए 4π। नेक्स्ट है हमारा ये मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज ए लो रेजिस्टेंस शंट, तो याद है कोई जो मीटर के साथ में बहुत लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम आर एस एच सेलेक्ट करते थे, राइट क्या एमीटर, एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए हम कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, जिसमें मेरे बच्चों आपको आर एस एच बराबर आर एम अपॉन एम माइनस वन देखने को मिलता है, बताइए आसान है ना, बढ़िया वेरी गुड। क्यू मीटर इज यूज टू मेजर, तो क्यू मीटर वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, क्लियर, क्यू फैक्टर को नापेगा, इफेक्टिव और रेजिस्टेंस भी ये नापेगा और ओनली बैंडविड्थ, तो ये ऑप्शन डी सही है। क्यू मीटर ये बहुत पूछेगा किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट आ जाओ 38 पर, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्डर, देखो ना 0.007 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ बच्चे यहाँ भावनाओं में बैठ के सेमीकंडक्टर कहेंगे, जनरली 3 digits तक कितना यार 0, यार अगर 0.07 भी होता इट्स वेरी लेस एनर्जी गैप यार, तो इट्स ए कंडक्टर, कुछ बच्चे नाजी ना 0.00 ये तो कुछ है तो मतलब ओवरलैप, अरे इतना मुतना तो ओवरलैप है तब भी मतलब बन जाएगा भाई, तो क्या बनेगा ये कंडक्टर, बहुत सही जवाब, छा गए तुम लोग तो आज,
ए डायोड विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट इफ वोल्टेज इन द सर्किट इज लेस देन, तो तब तक ओपन रहेगी जब तक के थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना लागू हो जाए, तब तक ये ओपन रहेगी। जैसे सिलिकॉन में नहीं आता 0.7 और जर्मेनियम में 0.3, तो जब तक ये नहीं आएगा तो मतलब ओपन है। जैसे 0.7 सिलिकॉन में मिला ये फॉरवर्ड बायस हो गया। थ्रेशोल्ड वोल्टेज विच करंट फ्लो इन कंडक्टर, तो आप लोगों को बताया था, देखिए बेटा कंडक्टर में बहता है ड्रिफ्ट करंट, याद आया। और सेमीकंडक्टर में ये दोनों बहते हैं, ड्रिफ्ट भी और डिफ्यूजन भी, ड्रिफ्ट भी और डिफ्यूजन भी। चलो जी नेक्स्ट है हमारा 41, बड़ा अच्छा सवाल है, तो आज वैल्यू नहीं ली, वैल्यू तो मैं भी बोर हो गया सवाल ला ला के ना ये। चलो जी तो आज पेपर बनाने वाले लोगों ने वैल्यू नहीं लेके आज इसमें न्यूमेरिकल पूछा है। तो देखिए मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इंटेंसिटी, तो 5/100 तो 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, बताइए डी है कि नहीं। तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको, राइट ना, फॉर्मूला भी याद हो गया। तो हमारे सर ने पेपर बनाए तो आज बड़ा सही सही सवाल डाले भाई, बड़ी मेहनत से ना। चलिए जी 42, द कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो यार एक बात बताइए, कैपेसिटेंस ऑफ, अगर हम पीएन जंक्शन रिवर्स बायस यानी कि इसकी जो दूरी है बीच की ये है ना, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, राइट। अगर रिवर्स बायस बढ़ता है तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, और डिप्लीशन लेयर अगर बढ़ता है तो कैपेसिटेंस घटेगा, राइट ना। फिर दूसरी चीज, अगर ये फॉरवर्ड बायस की तरफ जाता है तो डिप्लीशन लेयर घटेगा, यानी डी का मान घटा तो फिर कैपेसिटेंस का बढ़ना तय है, राइट ना। कुछ यही तो कहानी बन रही है, क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर करेंगे, देखिए यही तो कहानी कुछ बन रही है। तो इंक्रीज एज द रिवर्स बायस डिक्रीज, यानी कि अगर रिवर्स बायस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज रिवर्स बायस का मतलब है हम कम कर रहे हैं, तो बेटा कम करने का मतलब है डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो रही है। अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहां कम होगी तो कैपेसिटेंस बिल्कुल बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। तो क्या हो गया 42 का, बी बन गया, राइट ना। 42 का क्या बन रहा है बेटा, बी। एक एक सवाल करो। और भाई मैं ये भी बोलता हूं कि देखिए हम लोग रोबोट नहीं है, ना ही हम लोग कंप्यूटर है, हम लोग भी इंसान है। अगर छोटी मोटी कोई गलती ऐसे हो जाती है एक दो सवाल में तो नीचे कमेंट कर दिया करो, ये चीज आपकी एक्सेप्ट करी जाएगी। चलिए 42, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इनपुट 50 है, आपको रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है सेंटर टेप में, तो सेंटर टेप में एफ आउटपुट बराबर 2f, ये होता है सेंटर टेप में, इनपुट का डबल, तो इनपुट कितना 50, उसका डबल कितना 100 हर्ट्ज, बोलो आसान है कि नहीं, राइट ना। 43 का आंसर करिएगा, 43 का ए करेक्ट होगा अगर हाफ वेव होता, याद रखना हाफ वेव में एफ आउटपुट बराबर एफ इनपुट होता है, कभी टेंशन लो तुम। चलो जी 44, नॉन मेटालिक कंडक्ट यूज इन हाउस वायरिंग, नॉन मेटालिक, अरे भाई पीवीसी है, जो हमारे हाउस कंडक्ट में, जो हमारे घरों में वायरिंग हो रही है उसमें जो नॉन मेटालिक, ये पीवीसी तो है। एज पर आई रेगुलेशन द सबस्टेशन इज टू बी अर्थ एट हाउ मेनी प्लेस, जो सबस्टेशन है उन्हें कितनी जगह से अर्थ होना चाहिए, तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक से अर्थ होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक, और अर्थ होने से यार सुरक्षा बढ़ जाएगी भाई। मैंने एक दिन एक वीडियो भी दिया था, अर्थिंग हो गया तो करंट ही नहीं लगेगा। साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज फॉर डोमेस्टिक सब सर्किट, डोमेस्टिक सब सर्किट साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर, तो 1.5 mm square, 1.5 mm square। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन एन ओवरहेड कनेक्शन टू बी गिवन ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग यूजिंग GI पाइप, है ना, द पाइप इज रिक्वायर्ड सपोर्टेड। देखो क्या मतलब हुआ, हमने कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमने GI का पाइप लगा दिया, और उस पर हमने कोई, देखो व्हेन एन ओवरहेड कनेक्शन इज टू बी गिवन ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग यूजिंग GI पाइप, द पाइप इज, तो पाइप को भाई हमें जरूरी है ना कि स्टे वायर से बांधे, नहीं तो पाइप को तो खींच के घेर लेगा इधर, तो है ना, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा और बोलेंगे कि स्टे वायर लगाना जरूरी है, स्टे वायर के बिना कैसे रुकेगा ये, तो खींच के से तार अपनी तरफ गिरा लेगा, है ना। तो 47 का बाबा क्या बनेगा, सी बनेगा,
ए क्लैंप, क्लैंप समझते हो? मैराथन में आई रूल भी होगा, तूफान ला देंगे मैराथन में, कोई दिक्कत नहीं। 47 का सी, अरे यार डी क्रोस आर्म्स काहे की जरूरत यार, हद है। तुमने देखा कि भाई आपके पास में आपके क्या होना चाहिए ना, ये सोच के देखो। एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को जीआई पाइप का उपयोग करके एक ओवरहेड कनेक्शन दी जानी है, तो अगर हमें देना है किसी को, तो ये थोड़ा ही है कि इसे ऐसे छोड़ देंगे, तार इस पे फोर्स लगा के गिरा देगा ऐसे। तो जरूरी है ना उसको बांधना स्टे वायर से। द मिनिमम डेप्थ एट विच द पाइप मस्ट बी बुरीड इन पाइप अर्थिंग, न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप को पाइप अर्थिंग में दबाया जाना चाहिए, तो ये 3.75 मीटर, ये मिनिमम अर्थिंग है। क्योंकि यार 2 ढाई मीटर लंबा तो पाइप ही होता है भाई, है ना। उसको हम गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर भी रखते हैं। 47 का क्या भाई, आप समझे ही नहीं सवाल का मतलब क्या है। चलिए 49 बताओ, ये द सिंबल शॉन इन बिलो, द सिंबल शॉन बिलो, बताइए ये क्या है, टू वे है या वन वे है? तो देख के पता चला होगा ये क्या है। देखिए वन वे क्या, थ्री पोल स्विच, 1 2 3 पोल स्विच, वन वे थ्री पोल स्विच। 49 का जवाब दो जरा, कितना बता रहा, थ्री वे टू पोल, ये क्या है क्या? नहीं नहीं यार, देख गाली वाली मत दो यार, सब तुम लोग आपस के भाई बंधु हो यार, गाली वाली मत दो। नहीं गाली वाली गलत आदत है, देखिए जो समझदार होंगे वो गाली वाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपस में, प्लीज। अरे चल भाई मोनू, आज तो तुम्हें भी लोग बाग तो यहाँ मुझे भी देते रहते हैं यार, गाली कौन सा लगी रहेगी यार, कुछ इतिहास रचना है तो कुछ चीजें झेलना पड़ेगा। और ये लोग जो गाली वाली दे रहे हैं उनको तुम काहे का टेंशन ले रहे हो, इग्नोर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल डिस्क्राइब अबाउट द पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन, जिसमें कहा गया है समय समय पर। देखिए निम्न में कौन सा आई रूल उपभोक्ताओं के कनेक्शन के आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के बारे में बताता है? तो ये होता है आईई रूल 46, ये बताएगा आपको आईई रूल 46। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखिए यहां पर इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसाइज, प्रिसाइज बहुत महीन काम करना है। तो वैसे तो इसमें ना महीन काम के लिए, प्रिसाइज वर्क के लिए कोई भी नहीं है, रियलिटी तो ये है इनमें, लेकिन अब हमें लगाना है इनमें से, ठीक है। तो प्रिसाइज वर्क के लिए जो सूटेबल होगा ये हमारा 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है। सटीक कार्य के लिए आवश्यकता रोशनी है ये, अगर इसकी जगह 500 की जगह 700 होता तो हम इसे भी सेलेक्ट करते, अगर इसमें 50 100 200 700 होता तो बेटा हम उसे पिक कर लेते, राइट जी। चलिए नेक्स्ट है सर, ये पेपर पहले, जी नहीं, एक एक पेपर नया है बेटा। 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, कुछ सवाल आए हैं लेकिन पूरा नहीं, 30 क्वेश्चन ये लगा लो, 20 रिपीट होंगे, अदरवाइज सब नए हैं। वो भी मैं बोलता हूँ खुद की इतना रिपीट रखिए हमेशा, 20 30 सवाल पुराने वाले जरूर डालिए ताकि वो भी आते रहें। तो देखिए 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर कितना होता है, देखिए जरा 1 लक्स होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर पंचम राज जी, अब गुरुजी पे तो भरोसा कर लो, गुरुजी ने जब मना कर दिया नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ ना यार। सेम पेपर आप मिला के देख लेना, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर क्या हो गया, देखिए लक्स हो गया। और अभी जिन लोगों ने, दो हमारे अध्यापक ने जिन्होंने पेपर बनाया, अगर वो क्लास देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करें कि ये नया पेपर है, आज ही बनाया है, बच्चों को उसको भरोसा नहीं हो रहा। विच फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ सेम कलर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए समान रंगों के प्रकाश की तुलना के लिए किस फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है? समान रंगों की रोशनी के लिए, कि कौन सी तेज रोशनी कौन सी कम, लेकिन समान रंग है, तो ये किया जाता है बंसन फोटोमीटर, ये किया जाता है
बंसन फोटोमीटर, ये किया जाता है, देखिए यहां पर बंसन फोटोमीटर, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज लीस्ट इन। तो बेटा ये हमारा एक्सेलरेशन, मेन लाइन रेलवे में हमारा नॉर्मल रनिंग फ्री रनिंग पीरियड होगा, ये कॉस्टिंग जब हमने ब्रेकिंग लगा, ये कॉस्टिंग जब हमने सप्लाई को कट कर दिया और ये ब्रेकिंग होता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज लीस्ट इन मेन लाइन सर्विस, बिकॉज मेन लाइन सर्विस में हम लोगों को फ्री रनिंग टाइम या फ्री रनिंग जोन देखने को प्राप्त होता है। ये हो गया, देखिए ये भाई, बोलो 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 कौन सा 51 ना। हाँ ये ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ भाई, योगी सर ने पेपर सेट किया है? नहीं नहीं, योगी सर ने नहीं किया, योगी सर तो घर पे आजकल आराम कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैंने खुद ये डी लगवाया, मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो ये 500 भी थोड़ा कम रह जाता है, इससे ज़्यादा अगर ऑप्शन में होता, जैसे 550 है बेटा, है ना, 100 है, 200 है और 700 होता, तो 500 को के चक्कर में 200 को ना लगा के 700 को ही लगाना था, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये पेपर में आया है तभी लिया भी है। इन ए डोमेस्टिक केक बेकिंग इवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाई डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर, बताइए किसे, थर्मोस्टेट से तो करोगे क्या? ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मीन्स थर्मोस्टेट, क्या है देखिए थर्मोस्टेट। देखो सर का आ गया मैसेज, बिल्कुल सर, बच्चों आपके लिए रोज नए क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं, रिपीट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। देखिए चंद्रकांत सर ने मैसेज कर दिया आप लोगों को, ईएडी की पूरी टीम रात भर जागती है भाई, कोई ना कोई बंदा आपको एक्टिव मोड में मिलेंगे। देखो तो ये नहीं कि ईएडी का मतलब रमन सर ही, ईएडी का मतलब बाकी पूरे 30-40 लोगों की टीम है भाई। ये देखो अभी सर ने कंफर्म करा दिया आपको, द एक्सेलरेशन इन सब अर्बन रेलवे, द एक्सेलरेशन इन सब अर्बन रेलवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, बड़ा अच्छा सवाल है, आंसर करिए। अरे राहुल जी, मैं भाई सवाल का उत्तर दो, छोड़ो। द एक्सेलरेशन इन सब अर्बन रेलवे इज, एक्सेलरेशन बताइए सब अर्बन रेलवे में कितना होता है। 56 का उत्तर गलत आना शुरू हो गया ना रुझान। देखिए बेटा 3 से 5 ना रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है 1.5 से लेकर 4 किलोमीटर आवर पर सेकेंड, राइट। 3 से 5 रिटार्डेशन होता है भाई, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन 1.5 से 4 तक होता है, राइट। और ये होता है मेन लाइन सर्विस में, मेन लाइन में एक्सेलरेशन ये होता है 0.6 से 0.8। प्लीज ऐसी चीजों को ध्यानपूर्वक देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, लीस्ट टेम्परेचर, कैंथल भी और नाइक्रोम भी, तो यूरेका का सबसे कम होगा यहाँ, लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स यूरेका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, यार इंडक्शन हीटिंग का मतलब ही हाई फ्रीक्वेंसी से है, इंडक्शन हीटिंग का मतलब ही हाई फ्रीक्वेंसी से है, इसे ही हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, इसे ही हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग यानी इंडक्शन हीटिंग। तो ये क्या हुआ देखिए हमारा सी, ए बॉडी एट ए टेम्परेचर टी रेडिएट हीट इन प्रोपोर्शन टू, तो ये आता है टी की पावर 4 में, ये आता है प्रोपोर्शनल किसके, टी की पावर 4 में, तो उत्तर बनेगा देखिए सी, रेडिएट यानी कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल, ए बॉडी एट द टेम्परेचर टी डिग्री केल्विन रेडिएट हीट, तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 4। बड़ा अच्छा सवाल है ये। चलिए जी 60, नाइट्रोजन और ऑर्गन इज फिल्ड इन जीएलएस लैंप, तो क्यों भरते हैं, इसलिए भरते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट का पुनर्विकास वाष्पीकरण को रोके, इसलिए भरते हैं, कारण यह है कि फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोके, ये क्या, इसलिए हम नाइट्रोजन ऑर्गन को भरेंगे। ये क्या हो गया देखिए टी, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन रेटेड, ये रिपीट है, इसे मैं मानता हूं ये रिपीट है, तो ये क्या हो गया देखिए हमारा
कन्वेयर, ये क्या आएगा कन्वेयर, रेटेड से भी ज्यादा। 62, ए टैप चेंजर इज यूज ऑन ट्रांसफॉर्मर फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज। बेटा हमने ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये बनाया, राइट, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना लिया, तो हमने टैप चेंजिंग यहाँ लगा दिया, है ना, ए टैप चेंजर इज यूज, चलिए या ऑटो छोड़ो या टैप चेंजर ट्रांसफॉर्मर, हमने ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ चलिए हमने कुछ हाई लगा दिया, तो हम यहाँ की जो वोल्टेज है यानी सेकेंडरी पर जो वोल्टेज है वो हम एडजस्टिंग वोल्टेज चाहते हैं, तभी हम टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, देखिए हम लोग बी यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज, हम किसे वेरिएबल चाहते हैं, यस सेकेंडरी वोल्टेज को। नेक्स्ट चलेंगे 63, द शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर। बताइए इसे प्लीज गलती नहीं होना चाहिए, जब भी हम शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो बेटा ये तो हमें किस तरह का मिलने वाला है, लीनियर मिलने वाला है। शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए लीनियर मिलेगी, तो ये क्या मिलेगी हमें, ऑलवेज लीनियर। इन डीसी जनरेटर में लूज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू, डीसी जनरेटर किसके कारण रेजिडुअल को लूज कर सकता है, हीटिंग के कारण लूज कर सकता है रेजिडुअल को, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हीटिंग के कारण लूज कर सकता है। और अब कहते भी है चुंबक को गर्म करें हथौड़े से मारें तो वो अपने मैग्नेटिज्म को खो देती है, यहां भी कुछ इसी प्रकार के फिनोमिना की बात हुई है, राइट जी। नेक्स्ट चलेंगे 65, इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड पॉसिबल ओनली एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैराथन क्लास में मेरे साथ में पूरे साथ जाग लोगे आप लोग, भाई मैराथन क्लास में जब आप लोगे, अभी ये हालत है, ये वाली चल रही, कुछ बच्चों का अभी गुरुजी को खुश करने के लिए ये दे दिया उत्तर, अबे ये दे दिया, अरे हमें थोड़ा मतलब है, बस गुरुजी आपके लिए बस खोल के रख दिया फोन। मैराथन क्लास में मेरी क्लास है 5 बजे से लेकर शाम को सुबह के 5 बजे तक, ये क्लास है मेरी सुबह 5 बजे तक मैराथन क्लास, राइट, कितनी 12 घंटे की, उसमें जाग लोगे मेरे साथ में तुम, चलो आगे तो चले, पहले मुझे उत्तर तो बताओ, तुम बताइए जो 12 घंटे की क्लास होगी 5 से 5 उसमें जाग सकते हो तुम लोग, हैं जी। अभिषेक यादव जी 2 साल हो गए मुझे सर से जुड़े, लेकिन सर ने, अभिषेक जी ये अगर आप ये सोचते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, अगर आप ऐसा सोचते हो तो रियली में आप गलत सोचते हो, मेरे लिए तो कोई कभी पुराना होता ही नहीं यार। चलिए जी नेक्स्ट चलेंगे 66, आप ये गलत बोल रहे हो कि पुराने स्टूडेंट को भूल जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज भी पुराने विद्यार्थियों के नाम से वाकिफ हूँ मैं, हाँ आपका नाम मैं वैसे नहीं लेता लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं बिल्कुल पहचानूंगा भाई आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई भी बच्चा एक भी ऐसी चीज विचारधारा बिल्कुल ना लाए अपने अंदर, ए 3-phase 4-wire स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 36 stator 28 rotor स्लोट द मिनिमम नंबर ऑफ फेज इन द रोटर, तो रोटर में उतने ही फेज होते हैं जितने स्टेटर में, ये क्या बना देखिए 3। नेक्स्ट चलेंगे, ए 4-pole 25 kW 200 volt wave-wound DC shunt generator द करंट इन ईच पैरेलल पाथ। बड़ा अच्छा सवाल है, प्लीज 67 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर, क्या रुपले आनंद जी क्या, अरे भाई मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा यार, अब बताओ ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हर एक कमेंट को पढ़ पाना भाई, चलो तुम्हारा 57 ही भी देख लेते हैं भाई, कहाँ गया, में मुझे लग रहा है यूरेका, आपको लग रहा है तो उसके लिए मैं चेक करके अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट कर सकता हूं।
चलिए यहां पर आ जाइए, देखिए हमने यहां पर 25,000/200 ये किया जी, हमने हमने पहले यहां से टोटल करंट निकाला कितना होगा, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 125। और यहां जो पैरेलल पाथ बनते हैं 4 पोल में कितने, देखिए वेव, तो वेव में कितने बनते हैं a बराबर 2, दो पैरेलल पाथ, तो पैरेलल पाथ दो जगह करंट बच जाएगा 62.5। तो क्या होगा देखिए a, चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारा 68। एक केज इंडक्शन मोटर, रियली में बहुत अच्छा सवाल है, एक केज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्लिप, ये दिया है, द मोटर स्टार्टिंग करंट ये दिया है, फुल लोड करंट, फाइंड द टैपिंग ऑन द ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर विच शुड गिव द फुल लोड टॉर्क एट स्टार्ट। देखिए बेटा हमें पता है टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल बराबर एस स्क्वायर आई स्टार्ट अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल, ये कह रहा है कि शुरुआत में ही हमें रेटेड टॉर्क प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब वन, शुरुआत में ही रेटेड टॉर्क प्राप्त हो जाए वन, एक्स स्क्वायर हमें बताना है 5/5 का स्क्वायर, और ये कितना 0.05, तो एस स्क्वायर बराबर 1/5.5 का स्क्वायर इंटू 0.05, तो एक्स बराबर इसका अंडर रूट जब करेंगे तो 68.8% आपको उत्तर मिलेगा, राइट जी, सॉरी 81.3% 81.3% आपको उत्तर मिलेगा, राइट। देखिए कितना होगा सी, 81.3% आपको आंसर मिलेगा, बड़ा सही सवाल है, सटीक सवाल है, 56 बेटा ये गलत होगा, ठीक है जी। तो क्या मिलेगा देखिए हमें सी, इसे करेक्ट करो, हमें क्या कहा गया है कि शुरुआत में ही रेटेड मिल जाए, ये फॉर्मूला आते कहां से हैं, ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला होते हैं, ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल बराबर आई स्टार्ट अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल, ये आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में, और टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल अपॉन में 1/3 आई स्टार्ट अपॉन में आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल, ये मिलता है हम लोगों को ऑटो, वो सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर में, फॉर्मूलों का ये तो खेल है। ए सीरीज मोटर आर बिल्ट विद ए फ्यू फील्ड टर्न एज पॉसिबल टू रिड्यूस, तो फ्यू फील्ड टर्न हम इसलिए बनाएंगे, फ्यू फील्ड टर्न अगर होंगे तो जो रिएक्टेंस है, क्योंकि इंडक्टेंस कम होगा और इसी के कारण हमारा रिएक्टेंस कम आएगा, टू रिड्यूस रिएक्टेंस, काफी लॉन्ग फॉर्मूला है ये तो, सारे याद हो जाते हैं यार। द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रन हॉट द प्रॉब्लम कॉज शुड बी, गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर गर्म होने का संभावित कारण हो सकता है अनइवन गैप हो, बराबर गैप ना हो, ओवरलोड हो या फ्रीक्वेंसी कम हो, क्या बनेगा डी, दिमाग घूम जाता है। एक दिन मैंने ना फॉर्मूलों के आपको पूरे लिस्ट बनवाई थी पावर सिस्टम की, एक दिन मशीन का नंबर भी आ जाएगा मैराथन क्लास में। अब देखिए 250 वोल्ट डीसी जनरेटर रन एट रेटेड स्पीड विद नो एक्साइटेशन, ये देखो नो एक्साइटेशन, जब नो एक्साइटेशन है यानी फाई का कुछ मान ही नहीं है तो फिर वोल्टेज भी कुछ नहीं बनेगा, कितना होगा 0। नेक्स्ट चलेंगे इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर द वेरिएबल लोड, अब याद है तुम्हें इंडक्शन मोटर में देखिए R2-S होता है, तो इसे हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं R2-R2-1-S/S, तो ये क्या होता है मैकेनिकल लोड, तो किस कैसे दर्शाएंगे हम रजिस्टेंस से। अरे मशीन की आ तो रही है भाई, मैराथन क्लास आ तो रही है 12 घंटे, मैं यहीं पे बढ़ाता रहूंगा, सब चीजें लिखाता रहूंगा, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अबे जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, और क्या द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज इज 2:1, द सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज इंस्टेड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो यहां ए का मान हमें दे दिया 2, ए का मान है 2, तो सेविंग परसेंटेज, सेविंग आता है 1/A × 100, तो
तो कितना हो गया 50%, कितना मिला हमें 50%। 71 का क्या, ओ माय गॉड, नो एक्साइटेशन, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही याद दिलाया भाई जिसने भी दिलाया, वेरी स्मॉल से अबाउट 2 to 3 volt, इस पे ध्यान ही नहीं गया, बिल्कुल सही बेटा, इसे करेक्ट करिए प्लीज, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। 71 का बिल्कुल, 71 का बी बिल्कुल करेक्ट, इस पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो नो एक्साइटेशन का मतलब है बहुत हल्की सी मामूली सी वोल्टेज बनेगी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से अबाउट 2% और वो 2 volt और 3 volt। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, बढ़िया सवाल है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 volt शंट मोटर इज 0.4 ohm एंड नो लोड करंट इज 2 एम्पियर। वेन लोडेड एंड टेकिंग ए आर्मेचर करंट 50 एम्पियर स्पीड देखे ये है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली नो लोड स्पीड। बेटा नो लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, यहाँ देखें नो लोड बैक ईएमएफ अपॉन में फुल लोड बैक ईएमएफ, यानी कि इसका मतलब है वी माइनस 200 माइनस आई ए आर ए कितना 2 × 0.4 अपॉन में 200 माइनस के 50 × 0.4। तो नो लोड 1200 यहाँ पर चला गया, इसको आप हल करेंगे तो 200 माइनस के 0.8 अपॉन 200 माइनस के 400 × 4 × 20 20, तो ये मिल जाएगा आपको 1328 आरपीएम। 74 का क्या मिलेगा, 1328 आरपीएम। अब बेटा फॉर्मूला लिखो प्लीज, देखिए ये होता है N2/N1 बराबर AB2/AB1, दो अलग अलग कंडीशन को दर्शाता है। तो V माइनस आई ए टू आर ए और यहाँ V माइनस आई ए 1/A, ये होता है, दो अलग अलग कंडीशन को दर्शाता है। तो यहाँ क्या बनेगा 1328। ओपन सर्किट टेस्ट इन परफॉर्म इस ट्रांसफॉर्मर परफॉर्म विद, तो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है रेटेड ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज पर, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज पर, यानी कि शॉर्ट सर्किट वो रेटेड करंट पर आएगा। जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, स्टैटिक नहीं आएगा, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बेटा ई बराबर बी एल वी साइन थीटा, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। 77 इन ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टेंस, देखो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें कहा गया है कि चल रहा है, क्योंकि इसमें मोटर विल कंज्यूम लेस पावर, मोटर विल कंटिन्यू टू रन, मोटर विल स्टॉप नन ऑफ द अबाव, तो हमें स्टॉप तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस से भी फेज स्प्लिटिंग रहेगा, अपना ये चलता रहेगा। तो इसमें कम और ज़्यादा का कोई मतलब दिया ही नहीं है, मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन, राइट जी। देखिए अगर इंडक्टर लगाते हैं ना तो तब नहीं होगा, इंडक्टर अगर लगा के स्टार्ट भी करेंगे तब नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर लगाने से, आपको याद होगा रजिस्टर लगाने से वो स्टार्ट अपना हो जाएगा, अगर कैपेसिटर की जगह हम रजिस्टर करेंगे तो वो हो जाएगा। इफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज रिड्यूस्ड, क्या बेटा वोल्टेज आपने 5% गिरा दिया, कीपिंग द लोड करंट एंड फील्ड करंट अनचेंज, ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसने करंट को नहीं बदला है, और देखिए लोड करंट और फील्ड करंट अनचेंज। चलिए जी द स्पीड ऑफ द मोटर, आप एक बात बताइए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव, तो फील्ड करंट यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वोल्टेज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, अगर वी गिरा है तो स्पीड भी गिरेगी, बड़ा अच्छा है। टुल्लू में क्या टुल्लू बोले तो इंडक्टर करेंगे तब स्टार्ट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं बेटा इंडक्टर से, फेज की भी तो अपने लिमिट है ना कि 0 से 90 बेटा। टुल्लू मतलब क्या होता है,
अरे मैं भी गाँव का, लेकिन मैंने सुना नहीं ना। चलिए जी, फॉर द एप्लीकेशन सर मैराथन क्लास सैटरडे को। बेटा सैटरडे को पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने रखा है ये मंडे को। लेकिन नाइट में तुम आ जाओगे मंडे को ऑफिस से? अच्छा पंप होता है, टिल्लू बोल रहा है यार वो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या है वो। वो तो टुल्लू पंप है जो पानी के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें तो कैपेसिटर लगा होता है भाई, परमानेंट कैपेसिटर टाइप है वो तो। फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड मिनिमम स्टार्टिंग करंट द मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग मेथड। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑटो कूलर की पानी वाली मोटर टुल्लू होती है, कूलर की पानी वाली होती है तो उसमें तो स्प्लिट फेज होती है, और अगर नॉर्मली जैसे हमारे नल वल पे लगी होती है ना तो उसमें तो कैपेसिटर आ रहा है लगा हुआ। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड में हाई स्टार्टिंग टॉर्क और मिनिमम स्टार्टिंग करंट देखने को मिलेगा। अब जैसे ना स्टार डेल्टा है, तो स्टार डेल्टा में ना 1/3 हो जाता है, स्टार्टिंग करंट घटता है तो टॉर्क भी 1/3 घटता है यहाँ। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में जो करंट है वो मिनिमम नहीं होता, क्योंकि करंट इसमें घटेगा ही नहीं। तो यहां बेस्ट है, देखिए ये ए 80 ए डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई द टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी। देखिए एसी जो डीसी सीरीज मोटर है वो यूनिवर्सल मोटर की कैटेगरी में आती है, राइट ना, यूनिवर्सल मोटर की कैटेगरी में हम लोग लेकर चलते हैं। तो पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल, पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल ये होगा, लेकिन चलता उसी दिशा में रहेगा, राइट। क्या हो गया देखिए ए, अच्छा चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंटरप्टेड एट मैक्सिमम करंट, जी नहीं जीरो करंट पे, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट ए जीरो करंट। देखिए जब ये जीरो करंट से पास होता है, वह नेचुरल करंट पासिस थ्रू दैट जीरो, तो आर को हम इंटरप्ट करते हैं, किसमें, एसी में करते हैं हम लोग। डीसी में तो हमारे पास में हम स्प्लिट कर देते हैं, लेंथनिंग करते हैं, फोर्स ब्लास्ट करते हैं। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद 50 मीटर स्पैन इज 1 मीटर, व्हाट विल बी द सैग इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज। तो हाइट से तो कोई मतलब ही नहीं होता, सैग हाइट से इंडिपेंडेंट होती है, तो कितनी होगी 1 मीटर ही होगा, है ना। बढ़िया सवाल है भाई, इसको 82 को ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्शनल रिले, तो मोहो रिले या एडमिटेंस रिले क्या होगी, डायरेक्शनल रिले। द नॉर्मल प्रैक्टिसिंग टू स्पेसिफाई मेकिंग करंट, तो देखो बेटा मेकिंग करंट आता है पीक वैल्यू में, और जो ब्रेकिंग करंट आता है वो होता है आरएमएस वैल्यू में, राइट। द ग्रेडेड केबल यूज डायलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट, तो जो कैपेसिटेंस ग्रेडेड केबल दे देते हैं, देखिए इसका मतलब परमेबिलिटी से नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है देखिए, परमिटिविटी। भाई केबल की ग्रेडिंग करने के लिए हमें परमेबिलिटी क्या जरूरत, हमें तो परमिटिविटी की जरूरत है। कल भी आया था एप्सिलॉन आर वन कैपेसिटेंस वाले में ना, एप्सिलॉन आर टू ये वाली, और इंटरशेट में सेम लेयर यानी कि सेम मटेरियल की लेयर्स। 87 इन ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, तो देखो ना इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, बढ़िया सवाल है आज ना। रेजिस्टेंस है, आरएलसी होता है, लेकिन एक लाइन में नहीं दिया, आर ये है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये है, तो उत्तर ए या बी नहीं, उत्तर जाएगा देखो डी में, उत्तर कहां गया डी में। सिस्टम विच सफर फ्रॉम मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्चुएशन से कहां पर देखने को मिलेगा, रेडियल, और ये सबसे सस्ता सबसे सिंपल भरोसे के लायक भी कम है ये ना, तो सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं। देखिए रिंग में भी एक और आता है हमारा इंटरकनेक्टेड टाइप, जिसमें एक से ज़्यादा सब स्टेशन इस्तेमाल होते हैं। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर डिपेंड, तो देखो ब्रेकिंग कैपेसिटी आरएमएस ये पीक में, और एक शॉर्ट टाइम कैपेसिटी भी होती है इसकी, तो ये ऑल ऑफ द अबव।
एज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इंक्रीज द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो जब हवा में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता रहेगा तो जो डिसरप्टिव वोल्टेज है ना, जिस पे कोरोना बनना शुरू होता है, वो घट जाएगी। ये घटना ही डिसएडवांटेज है, याद रखना। इसका मतलब है ये वो वोल्टेज है जिस पर आकर कोरोना बनना शुरू हो जाता है, जिस पर आकर ये बनना शुरू हो जाता है। तो बेटा याद रखिए, अगर ये घटा ना तो ये जल्दी बनना शुरू होगा। तो ये इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, देखिए द डिसरप्टिव वोल्टेज डिक्रीज। तो इसका घटना डिसएडवांटेज है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल डिक्रीज विद। तो देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, लंबाई, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंसुलेशन केबल। तो क्या हो गया, देखिए 91 को हम क्या मेंशन कर रहे हैं, ए एल्यूमिनियम इज नाउ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइन देन कॉपर। एल्यूमिनियम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर से, क्यों, चीप है और लाइट है, सस्ता है और लाइटर, यानी कि क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है कॉपर की तुलना में, कितनी, 2.73, और उसकी हो जाती है 8 से भी ज्यादा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द परमिसेबल रेंज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, परमिसेबल रेंज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी सप्लाई, तो ये क्या है फिर, 47.5 to 52.5 हर्ट्ज। ये बहुत कम हो जाएगा भाई। EHV केबल आर फिटेड विद ऑयल अंडर प्रेशर ऑफ गैस बिकॉज, देखिए प्रेशर विल अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड, समझे, वॉइड यानी कि रिक्तियां आ जाएंगी। तो जो प्रेशर होता है वो रिक्तियां नहीं आने देगा, वॉइड्स नहीं बनने देगा। ये क्या हो गया, देखिए सी फॉर फेज फोल्ड ऑन लॉन्ग लाइन विच रिले। तो फेज फोल्ड है, लॉन्ग लाइन है तो मोर रिले। मीडियम के लिए, लो के लिए हम रिएक्टेंस, शॉर्ट के लिए रिएक्टेंस, मीडियम के लिए इम्पीडेंस, और फेज फोल्ड के लिए ये, सॉरी अगर हम बात करते हैं अर्थ फोल्ड, तो अर्थ फोल्ड के लिए हम लोग इस रिले को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसकी करंट सेटिंग हम मिनिमम रखते। आज मजा आया मुझे भी यार, पता नहीं चला ये 100 सवाल कराने का ना, आज मुझे अच्छे लगे ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट डाइवर्सिटी फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट डाइवर्सिटी फैक्टर। तो देखिए डोमेस्टिक लाइटनिंग में आपको हाइएस्ट, कमर्शियली लाइटनिंग में नहीं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिमांड में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन डोमेस्टिक लाइटनिंग में ज़्यादा, तो यहाँ पर हाइएस्ट डाइवर्सिटी फैक्टर देखने को मिलेगा। प्लग सेटिंग ऑफ रिले कैन बी अल्टर्ड बाई वेरी, तो प्लग सेटिंग आप कैसे वेरी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखिए नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, इसके चेंज करने से ही करंट सेटिंग चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। ए ट्रांसमिशन लाइन हैज 200 किलोमीटर ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, फाइंड द टाइप ऑफ लाइन। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2000, तो ये आ गया 2000, 4000 से 10000 तक मीडियम आता है ना भाई, बताना जरा कौन सी हो गई ये, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट बन रही है ये, कंफर्म कराना। नहीं मैं रियली में बता रहा हूँ कि आज मुझे खुद में पता नहीं चला कि अभी तक ये 100 सवाल पे पहुँच गया। अब आज मुझे, मैंने खुद सवालों को कराने में ना बड़ा रिलैक्स सा लगा, मैं खुद में अपने आप में मुझे अच्छा फील हुआ आज। 98 का बी आएगा क्या, बी नहीं होगा यार, बी तो लॉन्ग तो वो 10000 से ज़्यादा पे जाती है वो, 98 का ए सही तो है। तो ये क्या, देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, चलिए द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 केवी लाइन। तो ये 220 के लिए ग्राउंड क्लियरेंस 7 या 21, हाँ 30 मीटर के लिए टावर की हाइट, हाँ ठीक है 7 मीटर आ जाएगा, 7 मीटर होगा इसके लिए ना। चलिए जी, द सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस दैट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट, द सर्किट ब्रेकर इज एन एग्जाम्पल स्विच गेयर, स्विच गेयर। चलिए तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और थैंक यू वेरी मच फॉर EAD टीम जिन्होंने पेपर को बनाया, बहुत अच्छे सवाल लिए आज, और मुझे खुद में
अच्छे भी लगे सवाल ये कराने में, और खुद भी मैंने खुद इन्जॉय किया क्योंकि मुझे खुद में टाइम नहीं पता चला, और आज मुझे थकान भी ऐसे महसूस नहीं हुई यार। तो या तो यह है कि ऊर्जा अच्छी है आज। अरे सर, अच्छा ये टुल्लू पंप वाला फिर आ गया। चलिए बढ़िया यार, बढ़िया, अपना खुश रहो, बिंदास रहो यार, ऐसे हंसते खेलते जीवन गुजर जाता है यार। तुम लोग फालतू में टेंशन लेते हो, जीवन में खुश रहना सीखो अपना, है ना, जीवन में खुश रहना सीखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।